गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोर्थ ईयर के यूनिट सिक्स के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ना, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को अपन देख रहे हैं। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है इंडिया में काफ़ी लेट में लॉन्च किया गया है। 1982 में देखने को ये मिल रहा था कि इंडिया में मेंटल हेल्थ डिजीजेस का ट्रेंड बदल रहा है ना। तो आगे फ्यूचर में पता था गवर्नमेंट को कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए इंडिया के पास कोई अलग से प्रोग्राम नहीं था कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए कुछ अलग से कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। जो रूटीन अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम चलते हैं वैसा ही काम चल रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ज़रूरत को महसूस करते हुए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया 1982 में। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोग्राम था, बाद में और देखा गया कि इंडिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं जैसे यूके, यूएस, ऐसे जगह पे मेंटल इलनेसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, ठीक है। डेवलपमेंट बढ़ा, लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ, काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आए नई जनरेशन के हिसाब से, तो मेंटल इलनेसेस भी बहुत बढ़ा। तो बाद में 2014 में इंडिया ने भी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाया है ना। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया, लेकिन ये वो सिर्फ एक प्रोग्राम था। लेकिन एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट मिलता है वो हमको मिलता है पॉलिसी के ज़रिए। पॉलिसी मतलब जब तक नियम कानून नीति उसके लिए नहीं बनाई जाएगी तब तक उस काम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाया था, ठीक है। वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट रहेगा कि आप लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बस जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट रीड कर देता हूँ। रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन विथ मेंटल इलनेस कंस्टिट्यूट अ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड आर सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, ठीक है। जो मेंटली इल पर्सन है वो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, और अधिकांशतः देखा गया है कि उनको हर जगह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। फैमिलीज बियर डिसप्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर देयर रिलेटिव विथ मेंटल इलनेसेस, ठीक है। आमतौर पर देखा यह गया है अगर फैमिली में किसी को हो जाता है तो फैमिली वाले उनका ट्रीटमेंट आमतौर पर नहीं कराते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल भी लॉस होता है, फिजिकल समय भी जाता है, मेंटल प्रॉब्लम भी होता है उनको, इमोशनल सोशल बर्डन सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आमतौर पर देखते हैं कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है मेंटली इल पर्सन को, ठीक है, अगर फैमिली में किसी को होता है तो। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर पेशेंट डॉक्टर्स की कमी भी बहुत है ना। टर्शरी लेवल पर अपन देखें तो डॉक्टर्स अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग नीचे बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें या PSC CSC विलेज लेवल पर बात करें, तो ये जगह पर हमको अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं या साइकेट्रिस्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो अगर इनको कुछ नीड भी होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इस सब कारण के कारण से उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। पर्सन विथ मेंटल इलनेस शुड बी ट्रीटेड लाइक अदर पर्सन विथ हेल्थ प्रॉब्लम एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम शुड बी मेड कंडक्टिव टू फैसिलिटेट रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ठीक है। हम लोगों को जो मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, उनको अब तक गवर्नमेंट अदर हेल्थ प्रॉब्लम के जैसे ही इशू करते आया है, और लोगों को ये भी मानना चाहिए कि ये भी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को वायरल फीवर हो सकता है वैसे किसी को मेंटल इलनेसेस भी हो सकते हैं ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बेकार है या ख़राब आदमी तो ही उसको होगा, मेंटल इलनेसेस किसी को भी हो सकता है, करोड़पति आदमी को भी हो सकता है, ऐसे आदमी को भी हो सकता है जो बहुत लाइफ में सक्सेस अचीव किया हो। जैसे कि अभी आप रिसेंटली अगर अपन बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत है ना, उनका जो सुसाइड केस चल रहा है वो बाद में पता चलेगा कि वो क्या केस था, लेकिन वो रेगुलरली मेंटल चेकअप के लिए जाते थे, ठीक है, मेडिसिन भी ले रहे थे, ठीक है। तो मेंटल इलनेसेस ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी गरीब आदमी को होगा या कोई अनसक्सेसफुल पर्सन को होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं लेकिन उनको मेंटल इलनेसेस कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP इन 1982, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब चीज़ों को देखते हुए 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है।
कीपिंग इन व्यू द हैवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेसेस इन द कम्युनिटी। किस चीज़ को ध्यान में रख के क्या है, कम्युनिटी में मेंटल इलनेसेस का बर्डन बढ़ते जा रहा है इस कारण से, ठीक है। एंड द एब्सोल्यूट इनएडिक्वेसी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील विथ इट। और इतना बर्डन पेशेंट का बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी हमारे कम्युनिटी में कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि जो मेंटल इलनेस पर्सन के लिए काम कर सके। आप देखिएगा पॉलिसी प्रोग्राम कब बना, 1982 में बना है, लेकिन आज भी अपन देख लीजिए कि इंडिया आज चांद पर पहुंचने का सपना देख रहा है, ठीक है, प्रयास भी कर रहा है, ठीक है, कई ग्रहों तक पहुंच गए हम लोग स्पेस रॉकेट के जरिए, लेकिन एक छोटा सा जो नीड है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके लिए आज हम लोग हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और हम लोग किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हेल्थ इशू है वो बहुत ज़रूरी है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मेंटल इलनेसेस बर्डन बढ़ते जा रहा है और देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। देन अ बर्डन ऑफ डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ का बर्डन किस लेवल पर है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1993, जो 1993 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से रिवील्ड दैट द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डेली जिसको बोलते हैं, लॉस ड्यू टू न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर इज मच हायर देन डायरिया, मलेरिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन एंड ट्यूबरक्लोसिस इफ टेकन इंडिविजुअली। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो डेली जो लॉस है वो क्या है, मेंटल इलनेसेस खासतौर पर न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर के कारण से ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, डायरिया से भी ज़्यादा है, मलेरिया से भी ज़्यादा है, वर्म इन्फेस्टेशन से भी ज़्यादा है, ट्यूबरक्लोसिस से भी ज़्यादा है, अगर देखा जाए इंडिविजुअली पर्सन के हिसाब से, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे कम्युनिटी में बहुत लोगों को, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड डेली लॉस ड्यू टू मेंटल डिसऑर्डर आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट 15% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज बाय 2020, ठीक है। तो आप मान के चलिए 2020 करेंटली जो ईयर है, ये एस्टिमेट किया गया है कि जितनी भी तरीके की बीमारियां हैं, ठीक है, उसमें से मान लो 100 तरीके की बीमारियां हैं तो उसमें से 15 बीमारी केवल क्या रहेंगी, कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बर्डन ऑफ डिजीज़ काफ़ी बड़ा है, 2020 तक देखा जा रहा है कि जितनी भी तरीके की बीमारियां होंगी या 100 लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उसमें से 15 लोग केवल मेंटल इलनेसेस के कारण से बीमार होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट टू डिकेट्स मैनी एपिडेमिकल स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड इन इंडिया विच शोज दैट द प्रेवलेंस ऑफ मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर इज अबाउट द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि पूरे विश्व का हाल है वैसे ही इंडिया में भी जो प्रिवलेंस देखा, स्टडी किया गया एपिडेमियोलॉजी का, तो प्रिवलेंस देखा गया कि जैसे कि पूरे वर्ल्ड में साइकेट्रिक डिसऑर्डर का ट्रेंड दिख रहा है, सेम इंडिया में भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। हमेशा हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अभी तक डिक्रीज लेवल पर नहीं आया है, कंट्रोल फेज में नहीं आया, लेकिन उसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। द प्रिवलेंस रिपोर्टेड फ्रॉम दीज स्टडीज रेंज फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 18 टू 207 पर 1000 विद द मीडियन 65.4 पर 1000 एट एनी गिवन टाइम अबाउट 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हर एक हज़ार में अगर मीडियन को अपन देख लें, ठीक है, तो 65.4 पर 1000, ठीक है, मतलब हर एक हज़ार में 65.4 मिनिमम इतने तो हमको मेंटल इलनेसेस के पेशेंट मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि करता है अबाउट 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि जो पॉपुलेशन है पूरी कंट्री का उसका 2-3% को कैच करता है, ठीक है। 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम सीरियसली इनकैपेसिटेटिंग मेंटल डिसऑर्डर और एपिलेप्सी, ठीक है, और 2-3% पॉपुलेशन है वो क्या है, सीरियसली मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, खास तौर पर इनकैपेसिटेटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स और एपिलेप्सी। इनकैपेसिटेटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है, जिसमें कि उनको हाईली मेडिकल केयर की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जिनको कि जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, या मेनिया है,
ठीक है, इस तरीके के पेशेंट को अपन लोग इनकैपेसिटेटिंग मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। और एपिलेप्सी है जो कि एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। देन मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट लिव इन रूरल एरियाज रिमोट फ्रॉम एनी मॉडर्न मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश पेशेंट कहाँ रह रहे हैं, रिमोट एरिया, ठीक है। इनकैपेसिटेटिंग पेशेंट तभी डेवलप हो रहा है जब वो रिमोट एरिया में है, तब उसको स्टार्टिंग का मेंटल डिसऑर्डर है। अगर वो चाहता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करे लेकिन वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए, है ना, तो क्या है फिर बाद में वो मेंटल डिसऑर्डर और सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्शरी प्रिवेंशन को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय पे उनको मेंटल इलनेसेस सीवियर हो जाता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में देखने को मिल रहा है जहाँ पर मॉडर्न मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग अपने जगदलपुर की बात करें तो आज भी हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे लिए कोई मॉडर्न मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत अभी 2014 के बाद से डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में बेड अवेलेबल कराए जाते हैं, यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ देखोगे तो नहीं है, ठीक है। आपको एडमिट किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, ट्रीटमेंट जो नॉर्मल है वो दिया जाएगा, लेकिन अगर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव केयर बोलेंगे तो अभी भी उस लेवल पर नहीं आया है जिसकी आवश्यकता है, ठीक है। देन है अ लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट पेशेंट 10.4 to 53% कमिंग टू द जनरल ओपीडी आर डायग्नोस्ड मेंटली इल। बहुत ही ज़बरदस्त सेंसेस है, जो जनरल ओपीडी में पेशेंट आते हैं उसमें से 10.4 to 53% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि कोई ना कोई मेंटल इलनेसेस उनमें होता है, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, जनरल ओपीडी में जा रहे हैं, बुखार का ट्रीटमेंट कराने गए हैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट कराने गए हैं, आई चेकअप के लिए गए हैं। तो इतने सारे पेशेंट लोग मेंटल इलनेसेस से प्रॉब्लम में होते हैं लेकिन उनको वो डायग्नोस ही नहीं हुआ होता है, ठीक है। हाउएवर दीज पेशेंट आर यूजुअली मिस्ड बिकॉज आइदर मेडिकल ऑफिसर और जनरल प्रैक्टिशनर एट प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट डज नॉट आस्क डिटेल मेंटल हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। डेफिनेटली कि जो ऐसे पेशेंट हैं उनका मेंटल हेल्थ हिस्ट्री तो किसी भी हालत में प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर बहुत ही कम लिया जाता है, ठीक है। जब लगता है डॉक्टर को कि तो ऐसे डॉक्टर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग डिटेल मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं ले पाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो अपन देख रहे हैं वो बार बार फीवर हो क्या रहा है या बार बार मेरे को पेट में दर्द है, बार बार मेरे को यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है बोल रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें से अधिकांश पेशेंट ऐसे निकलते हैं जिनको कोई ना कोई मेंटल इलनेसेस होता है। तो अगर डिटेल मेंटल हिस्ट्री निकाला जाए तो कई सारे पेशेंट को मेंटल ट्रीटमेंट दे के आसानी से बचाया जा सकता है सीवियर मेंटल इलनेसेस से, ठीक है। ड्यू टू द अंडर डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट आर ऑफर्ड विच हैवली कॉस्ट टू द हेल्थ प्रोवाइडर्स, ठीक है। और ये सब के कारण से, ठीक है, अंडर डायग्नोसिस होने के कारण से, मतलब कि उनको डायग्नोसिस क्लियर नहीं होने के कारण से ऐसे पेशेंट का अननेसेसरी ढेर सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। सपोज कई एक आप भी देखे होंगे ऐसे होते हैं कि उनको आए दिन पेट में दर्द चालू हो जाता है या अचानक से चक्कर आ जाता है या नींद नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है ना, और वो लोग उसके कारण से डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे पेट में भयानक दर्द रहता है, लेकिन प्रॉब्लम उनके पेट में ना हो के कहाँ है, दिमागी हालत में है, ठीक है। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, उसका पूरा CBC हो जाएगा, उसका पूरा USG हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसका जो है वो मेंटल था, ठीक है। तो और उसका ट्रीटमेंट भी फालतू का चलते रहेगा, जिसके कारण से उसका और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी काफ़ी समय जाता है और उसका खुद का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बर्डन ऑफ डिजीज़। तो अगर देखा जाए तो बर्डन ऑफ डिजीज़ काफ़ी बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए तो 2020 तक 15% जो भी हेल्थ इशू आएगा वो कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू ही रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक का, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द फॉसिबल फ्यूचर पर्टिकुलरली टू द मोस्ट वनरेबल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इंश्योर करना है क्या चीज़ को, अवेलेबिलिटी और असेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, ठीक है। हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि मेंटल हेल्थ केयर अवेलेबल हो और उनके आसानी से पहुंच में भी हो, ठीक है। खास तौर पर आने वाले भविष्य में
और ऐसे लोगों के लिए जो वनरेबल या अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हों या पॉपुलेशन से आते हों, रिमोट एरिया से आते हों या अर्बन स्लम्स में आते हों या काफ़ी विलेज एरिया में हों, हिली एरिया में हों, ठीक है, ट्राइबल एरिया में हों, ऐसे लोगों के लिए पहुँच बनाना है जो कि काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इसको परमानेंट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ समय समय पर कैंप करवा के इसको अंडरटेक किया जा सकता है। देन है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ केयर, ठीक है। देन है सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड इन सोशल डेवलपमेंट। क्या एनकरेज करना है? एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज, ठीक है, इन जनरल हेल्थ केयर, ठीक है। जनरल हेल्थ केयर में हम लोगों को वहाँ तक बात पहुँचानी लोगों तक कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो क्या है, कोई अलग से कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसको आसानी से हम ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट IEC इसके लिए यूज़ करती है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है काफ़ी समय से, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, तो वो इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है। या वो हो सकता है कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हो, तो वो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या अपने कोई रिलेटिव से प्रॉब्लम शेयर करें, ठीक है। तो इसको जनरल हेल्थ से जोड़ने की कोशिश किया है। अभी क्या है, मेंटल हेल्थ बोलने से हम लोग एकदम मतलब अपनी सोसाइटी अजीब अलग बिहेव करती है, पागल बोलती है ना, तो उस स्टिग्मा को ख़त्म करके क्या करना है, इसको जनरल हेल्थ केयर में इन्वॉल्व कर देना है। इसके लिए कोई अलग से हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है वहाँ पर ये भी फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। थर्ड है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विसेज डेवलपमेंट एंड टू स्टिमुलेट एफर्ट्स टूवर्ड सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी, ठीक है। क्या डेवलप करना है? प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम सीधी सी बात है कि आवर हेल्थ इज़ इन आवर ओन हैंड, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारे हाथ में खुद है, ठीक है। तो अगर हम लोग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे सब डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए, तो डेफिनेटली कि हम अपने गोल को काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्टिव था, पहला था एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर, या इसको अपन सिर्फ उतना बोल सकते हैं टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, ठीक है। सेकेंड, एनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर, ठीक है। थर्ड, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये अपना मेन तीन ऑब्जेक्टिव था। देन है एम्स, ठीक है। फर्स्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। क्या करना है? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। जहाँ तक हो सके हम लोग को कोशिश करना है मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है ना कि खुश रहिए, अपने परिवार को समय दीजिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी में भाग लीजिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी से शेयर कीजिए, दोस्त बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए कर रही है ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें एंड ट्रीट ऑफ मेंटल, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, प्रिवेंशन के हमारे सारे मॉडलिटीज़ फेल हो जाते हैं, अगर किसी ने किसी कारण उसको मेंटल डिसऑर्डर आ भी गया, तो उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या है, बाकी डिसेबिलिटीज़ या मेजर जो डिसऑर्डर्स हैं उनको होने से अपन आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला एम था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन सेकेंड, यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को हमको यूज़ करना है ताकि क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके जनरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, और उससे कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं जनरल हेल्थ सर्विसेज को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक काउंसलर रख सकते हैं, ठीक है, या
साइको सोशल वर्कर रख सकते हैं जो कि मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ करे, ठीक है। या हम लोग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स ऐसे रख सकते हैं जिससे कि मेंटल हेल्थ को ही केवल डील किया जा सके, ठीक है, जैसे EEG होता है, ठीक है, इस तरीके के टेक्निक्स, या जो भी ब्लड काउंट, स्पेशल ब्लड काउंट होते हैं मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। कई केसेस में कई प्रकार के बायोकेमिकल चेंजेस के कारण से भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाता है, ठीक है, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी कई बार उस कारण से हो जाता है। और इसके ज़रिए क्या कर सके हम लोग, इम्प्रूव कर सकते जनरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अगर हम लोग, कई प्रॉब्लम ऐसे हैं लोगों के जो कि मेंटल हेल्थ के कारण से, और वो लोग अपना फिजिकल हेल्थ समझ के उसके कारण से ट्रीटमेंट कराने बार बार जाते रहते हैं, ठीक है, मुझे बेचैनी लगती है, घबराहट लगता है, या मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वो लोग बार बार करवाने जनरल हेल्थ के लिए जा रहे हैं जिसके कारण से जनरल हेल्थ का समय काफ़ी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अगर वो चीज़ को सेपरेट किया जा सके तो डेफिनेटली हमारा जनरल हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट डायरेक्टली मेंटल हेल्थ सेक्टर में डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स, ठीक है, जितने भी मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इक्वालिटी है, ठीक है, राइट फॉर ट्रीटमेंट है, इन सभी को हम लोग टोटल नेशनल डेवलपमेंट में करें ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अक्सर क्या होता है, मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये अरे तो पागल आदमी, इसको गाली बकना है, या इसको धक्का देना है, या कभी मारना है, या उसके ऊपर चिल्लाना है, या उसको जंजीरों में बांध के रख देना है, तो ये हमारा मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स नहीं कहता है। मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स कहता है कि सभी को अधिकार है बराबर, ठीक है, सही ट्रीटमेंट मिलने का, सही उनके साथ बिहेव होने का, तो ऐसे सारे प्रिंसिपल्स को हमको ध्यान में रखना है ताकि उनका लाइफ क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग हार्म ना कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा एम्स है। अब इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विथ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ के जरिए, मेंटल हेल्थ को प्राइमरी हेल्थ मतलब जो PSC सब सेंटर लेवल पर जो हमको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं उसमें मेंटल हेल्थ को भी इन्वॉल्व कर देना है, किसके जरिए, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। सीधी सी बात है कि प्राइमरी लेवल पर हम लोग बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन कवरेजेस काफ़ी कम होता है, ठीक है, लेकिन टर्शरी लेवल, खासतौर पर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, या हम लोग बोल सकते हैं कि संभाग स्तर पर, स्टेट लेवल पर या रीजनल लेवल पर बड़े अस्पताल हों जो कि टर्शरी हॉस्पिटल्स हों, तो उनको उनका प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट के साइड से बिलासपुर में एक लौता हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है ना, स्टेट गवर्नमेंट के साइड से प्रपोज्ड है, कोंडागांव में सेकेंड मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा, प्रायोरिटी में गवर्नमेंट का ये नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजन ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। थर्ड है इरेडिकेटिंग स्टिग्माइजेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन लाइक द सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर भी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है और स्टेट लेवल पर भी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है ताकि मेंटल हेल्थ जो पर्सन है, इल पर्सन है, उनके किसी भी प्रकार के इश्यूज़ को, खासतौर पर उनके साथ जो भेदभाव किया जा सकता है, इन सभी को रोका जा सके और उनको राइट ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए क्या करना है, जो मेंटली इल पेशेंट के लिए एक स्टिग्मा बना है, सोशल स्टिग्मा है ना, कि अरे ये तो पागल आदमी है, कभी हमला कर देगा, कभी कुछ कर देगा, तो ऐसे करने से क्या है, हम लोग उसके तरफ सिंपैथी नहीं दिखा पाते हैं इस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, उनका जो मेंटल इलनेसेस है और बढ़ता है क्योंकि लोग उनको सोशली आइसोलेट कर देते हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को अपन डील करना है ताकि उनके राइट्स को क्या कर सकें, हम प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा।